युवा समझकर भी हमको मदद करने का काम किया युवा साथी। मैं खुद परेशान और चिंतित रहता हूँ, कुछ भी रहे हैं सरकार के पास में जो है सो सिर्फ हाथ उठाने के अलावा अभी कोई जवाब सार्थक नहीं मिल रहा है। विभाग को लिख करके और इंजीनियर को आदेश दिया है कि तत्काल जो जिन सीन है वो कितने राशि में कम से कम उसका जो है सो कि मरम्मती हो जाए, इसके लिए हम प्राकलन मारने का काम किया है। दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कांटे नगर परिषद के वार्ड संख्या 7 में प्राथमिक विद्यालय कुसी जो बुरी तरह से जर्जर हो चुका है, जिसको लेकर छात्र छात्रा को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई बार शिक्षक के द्वारा आवेदन दिया जा चुका है मगर नहीं बन पाया। इसके बाद सवाल पूछे जाने पर कांटी विधायक इसाल मंसूरी ने बताया कि जल्द विद्यालय का मरम्मत का कार्य शुरू होगा, जिससे छात्र छात्राओं को पठन पाठन में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार तो नहीं चाहती है कि पढ़ाई हो सके। कांटी विधायक किसान मंसूरी आगे क्या कुछ कह रहे हैं खुद सुनिए। यहाँ पर विद्यालय है वार्ड संख्या 4 जो पूरी तरह से जर्जर है, बच्चों को पढ़ने में काफी परेशानी हो रही है। कई बार लिखित आवेदन बहुत सारे विद्यालय हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमको लोगों ने बहुत विश्वास के साथ चुनने का काम किया था और युवा समझकर भी हमको मदद करने का काम किया युवा साथी। मैं खुद परेशान और चिंतित रहता हूँ कि कई विद्यालय हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। बहुत सारे विद्यालय सरकार के द्वारा अपग्रेड कर दिया गया, लेकिन नहीं उसमें शिक्षक दिया गया, न उसका भवन है। इन सब तमाम बुनियादी समस्या हैं, जो समस्या को हम समझ रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। सरकार के पास में जो है सो सिर्फ हाथ उठाने के अलावा अभी कोई जवाब सार्थक नहीं मिल रहा है। और जिस पार्टिकुलरली विद्यालय के बारे में कहा जा रहा है, हमने विभाग को लिख करके और इंजीनियर को आदेश दिया है कि तत्काल जो जिन सीन है वो कितने राशि में कम से कम उसका जो है सो कि मरम्मती हो जाए, इसके लिए हम प्राकलन मारने का काम किया है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पहला से लेकर तीसरा तक के सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया पढ़ाने के लिए मैथिली और भोजपुरी में, तो क्या लग रहा है इससे शिक्षा व्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए बड़ी अच्छी बात है, और भाषा का अगर ज्ञान अगर हमारे बच्चों में हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन हमने सदन में भी कहा था और आज आपके माध्यम से भी कह रही कि सरकार की मंशा नहीं है कि इस देश के करोड़ों दलित और पिछड़े का नौजवान बच्चे पढ़ पाए, उनकी यह मंशा नहीं है। अगर सरकार की मंशा होती तो शिक्षकों से शिक्षण कार्य करवाती, अन्य कार्य नहीं करवाती, शराब नहीं ढूंढवाती, कौन शौचालय जा रहा है उसकी फ़ोटो नहीं खिंचवाती। और आप देख रहे हैं जितने प्राथमिक सरकारी स्कूल है उसकी व्यवस्था बहुत ही लचर और बहुत ही खराब हो चुका है। शिक्षक बिना जो है सो कि हालत खराब है। और जितने प्राइवेट स्कूल है उसमें 4 चांद लगे जा रहे हैं, जितने अधिकारी हैं बड़े लोग हैं। हम आपके माध्यम से इस समाज में शिक्षा की एकरूपता और समानता तभी संभव होगा, चाहे वो MP MLA हो, चाहे बड़े बड़े अधिकारी हो, चाहे एक दलित हो, रिक्शा चालक हो, तमाम के बच्चे समान रूप से एक स्कूल में पढ़ेंगे तब ये शिक्षा जो है सो कि समान हो सकती है और शिक्षा में सबको न्याय मिल सकता है।